क्लासेस का है ना लेक्चर वन, इसका पूरा पूरा लास्ट तक डाल दोगे यूट्यूब में फ्री में, ठीक है। तो जिनको मालूम नहीं आना हो पाता है आप वहीं से देख लेना चाहिए, किंतु ऑफलाइन क्लास की मजा ही अलग होती है ना। यहाँ 100% ध्यान रहता है, वहां एक तरफ कितना सोना लग दिया तो कहाँ से याद हो पाएगा, है ना। चलो तो पहले देखेंगे जनजाति के निवास, जैसे क्रम बताए वैसे ही पढ़ना है जी, है ना। अजर गजर करोगे तो नहीं पच पाएगा। तो ये बस्तर संभाग, ये दुर्ग संभाग, ये रायपुर संभाग और ये बिलासपुर संभाग, पढ़िएगा जी, पूरा जनजाति सेगमेंट का आधार है, ठीक है। और इसको ट्रिक के बजाय बेसिक आधार पर पढ़ो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखते जाओ, ये है आपका बालोद, बालोद से धमतरी, धमतरी से कांकेर, कांकेर से कोंडागांव, यहां तक मिलेंगे हलबा जनजाति। हलबा बोलो कौन जनजाति? हाँ हलबा, ठीक है। उसके बाद कोंडागांव से लेकर बस्तर तक, कोंडागांव से लेकर बस्तर तक मिलेंगे मुड़िया, ठीक है। लेकर बस्तर तक मुड़िया, बस्तर से सुकमा के पहले तक यहां मिलेंगे माड़िया, माड़िया, ठीक है। बस्तर से लेकर सुकमा तक मिलेंगे माड़िया। देखो किसी भी जनजाति को आप एरिया विशेष में नहीं बांध सकते जी, आप नहीं बोल सकते कि इतने एरिया में निवास करेंगे, ये फैलेंगे ही। जैसे एक समान चीज बता रहा हूं, जैसे हम लोग पटेल लोग हैं, मूलतः हमारा निवास स्थान मानते हैं रायगढ़ को, ठीक। पटेल बोलोगे तो कोई भी आदमी बोलेगा रायगढ़ के हो क्या, लगभग 99% तुक्का सही भी जाता है, ठीक है। तो ये नहीं कि हमारे सीमा रेखा लक्ष्मण रेखा खींच दिया है कि आप रायगढ़ तक रहेंगे, ठीक है। इसके आसपास जसपुर है, यहां भी फैल रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद ये बगल में सरगुजा है, यहां भी जा रहे हैं जी। कोरबा है, यहां भी जा रहे हैं, ठीक है। अब शक्ति यहां भी है, ठीक है। सारंगगढ़ यहां भी है, महासमुंद यहां भी है, ठीक है। तो आसपास फैला होगा ना भाई, ये नहीं कि वहीं से पढ़ा जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग एक सामान्य चीज पढ़ रहे हैं कि यहां से यहां तक रहेगा। मान लो ऑप्शन में आ गया मुड़िया जनजाति, कहां पाए जाते हैं? कोरिया, रायपुर, बलौदा बाजार, नारायणपुर, कैसे लिए? हाँ बस्तर संभाग, बस यही समझना है आपको, 7 बजे उठ के आना सार्थक हो गया, ठीक है। चलो यही माड़िया यदि दंतेवाड़ा मिलेंगे, दंतेवाड़ा में, तो ये कहलाएंगे दंडामी माड़िया, ठीक है। ये क्या कहलाएगा जी? दंडामी माड़िया। लिखिए मत, देखिए तो लिखने का पर्याप्त टाइम दूंगा, ठीक है। यही माड़िया जब नारायणपुर के अबुझ मार्ग क्षेत्र में मिलेंगे, अबुझ मार्ग क्षेत्र में, इनको बोलेंगे अबुझ माड़िया, वेरी गुड, अबुझ माड़िया रखना। यही जनजाति जब बीजापुर मिलेंगे, ठीक है, तो ये कहलाएंगे कोया, कोया रखना, कोया। यही जनजाति जब सुकमा के दक्षिण भाग मिलेंगे तो ये कहलाएगा डोरला, डोरला रखना, डोरला, ठीक। एक बार फिर से देखो, बालोद से धमतरी, धमतरी से कांकेर, कांकेर से कोंडागांव तक, यहां तक मिलेगा हलवा। उसके बाद कोंडागांव से लेकर बस्तर तक हो जाएंगे मुड़िया, बस्तर से लेकर सुकमा तक माड़िया। यही माड़िया जब नारायणपुर के अबुझ माड़िया तो अबुझ माड़िया, दंतेवाड़ा मिलेगा तो दंडामी माड़िया, बीजापुर मिलेगा तो कोया, और सुकमा के दक्षिण भाग मिलेगा तो डोरला, ठीक है। अब उड़ीसा के दो जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में आए हैं, ठीक है, ये बस्तर में मिलते हैं। एक का नाम है भतरा और दूसरा का नाम हो जाएंगे गदवा, गदवा ध्यान रखना, ठीक है। भतरा जो है ये काकती वंशी शासक पुरुषोत्तम देव, ये गए थे जी कर मापते मापते जगन्नाथपुरी, तो उन्हीं के साथ भतरा लोग हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर आ गए,
ठीक है, बन जाएंगे। उसके बाद गदवा, ये दोनों जनजाति मूलतः उड़ीसा के जनजाति हैं, दोनों दोनों मूलतः याद रखना उड़ीसा के जनजाति हैं, ठीक है। दो जनजाति और याद रखना, एक हो जाएगा परजा और दूसरा हो जाएंगे धुरवा, धुरवा, ठीक है, धुरवा याद रखना। ये हो गए बस्तर संभाग की जनजाति, रिमाइंड करो एक बार। इनको कहा जाता है जी, इनको कहेंगे दक्षिण संस्कृति क्षेत्र या सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजाति। यदि प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजाति नहीं है, नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र, ठीक है। अभी प्रश्न बन रहा है जी ऐसा, पैटर्न समझना है आपको, क्वेश्चन दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है। दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियां, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियां, और इसमें कौन आ सकता है जी, हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना, ये जो कोरबा है, कोरबा, और ये जो रायगढ़ है, ये रहने को तो बिलासपुर संभाग में है, लेकिन जनजाति दृष्टि से ये सरगुजा संभाग के भाग होंगे। कौन? कोरबा और रायगढ़, ठीक है, कोरबा और रायगढ़ याद रखना। तो ये तीनों संभाग, ठीक है, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग, ये कहलाएंगे मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियां, मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियां, ठीक है। हमारे नया वाला पुस्तक में एकदम विस्तार से दिया हुआ है, दिखाओ एक पुस्तक को जी, ठीक है, इसमें एकदम विस्तार से दिया गया है, आने वाले भी देख लीजिए, ठीक है, दिल खुश जाएगा। ये लगभग खत्म होने कगार पर है, तो फोटो का भी मत करवाना, न्यू एडिशन मतलब न्यू एडिशन इसी छपका जा रहा है अभी, रिप्रिंट हो गया, ठीक है, लगभग लगभग खत्म होने कगार पर हो चुके सर। पेज क्रमांक 54 में जी, फर्स्ट एडिशन। ये पहला केंद्र सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति, उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा घोषित, ठीक है, उसके बाद राज्य की प्रमुख जनजातियां, प्रमुख मतलब जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो कौन कौन होंगे, गौड़, कंवर और उराव, बेहतरीन है, ठीक है। उसके बाद उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियां, ये सब, मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियां ये सब, और ये दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियां ये, और ये क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे डिस्कशन क्या, चलो देखो क्वेश्चन। प्रश्न आया था छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों को उनके निवास आधार पर उत्तर से दक्षिण, है ना, उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको जमाना था, ठीक है। पहला बिरहोर, दूसरा भुंजिया, तीसरा डोरला और चौथा पहाड़ी कोरवा। अभी पकड़ ही नहीं पाया लेकिन बता रहा हूं, बिरहोर मिलेगा आपको सरगुजा से रायगढ़ तक, पहला आएगा। पहाड़ी कोरवा मिलेगा कोरवा में, उसके बाद भुंजिया मिलेंगे गरियाबंद में, उसके बाद आपका डोरला, एक तो पढ़े हुए डोरला, हाँ, तो सबसे लास्ट में, तो तीन को लास्ट में कर दोगे तो इसका आंसर जाएंगे ए, ठीक है, बनेगा जी, हाँ बढ़िया, पढ़ो उसको। मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियां, ठीक है, इसमें देख रहे हैं हम लोग रायपुर संभाग, रायपुर संभाग में सबसे पहले देखेंगे गरियाबंद, गरियाबंद लिखो मत जी, देखो तो पहले, क्या करूं लिख के, पुस्तक में सब दिया है, फिर वही बात बोलूंगा, धन संपत्ति कमा कर क्या करोगे, अकेले आए हो, अकेले जाओगे, प्राण अकेले आया है जाएगा, तो उसी प्रकार परीक्षा हाल में बिना कॉपी पुस्तक के जाओगे, तो कृपया याद करने पर फोकस करें, ठीक है। लिखने के लिए बोलोगे तो एकाक्त पुस्तक और लिख दूंगा। चलो, गरियाबंद में पहला हो जाएगा कमार, कमार, दूसरा हो जाएंगे कंडरा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा भुंजिया, अरे नहीं यार लेने फिर भुंजिया, ठीक है, तीसरा याद रखना, क्या नाम है जी इसका नाम, भुंजिया, ठीक है, और चौथा नाम हो जाएगा शिकारी। तो ये गरियाबंद में चार जनजाति है जी, चार जनजाति। यदि आप पुराना रिफरेंस पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको शिकारी को रायपुर
कमार को रायपुर शो करेगा, क्यों? क्योंकि गरिया बांध रायपुर का हिस्सा था। ठीक है, बन जाएंगे जी। तो गरियाबंद में कौन कौन हो गए? शिकारी, भुंजिया, कंडरा, कमार। ये गलत ऐसे नहीं, क्रम से आते हैं, कमार, कंडरा, भुंजिया और शिकारी। ठीक है, उसके बाद महासमुंद। महासमुंद में ये वार नवापारा, रदा बाजार और ये महासमुंद एरिया में जो फैला है ना, वार क्या बोलते हैं, वार नवापारा, यहां पर सांप पकड़ने के लिए स्पेशल मिलते हैं सौरा जनजाति, याद रखना सौरा। ठीक है, उसके बाद बलौदा बाजार, आप सभी जान रहे हैं वीर नारायण सिंह जी को, इनका कर्मभूमि क्षेत्र कहां था जी? सोनाखान। और वीर नारायण सिंह जी बिंझवार जनजाति से संबंधित है। ठीक है, बिंझवार जनजाति से संबंधित, याद रखना, या इसी जनजाति के थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रायपुर संभाग में। कौन कौन सा हुआ? गरियाबंद में कमार, कंडरा, भुंजिया, शिकारी, और ये आपका महासमुंद जी सौरा, और बलौदा बाजार में बिंझवार जनजाति, बिंझवार। ठीक है, कैसे याद रखोगे? तो शहीद वीर नारायण सिंह जी कौन से जनजाति के थे? बिंझवार। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका दुर्ग सेगमेंट। तो ये दुर्ग सेगमेंट में आपको नहीं मिलेंगे जी। ठीक है, लेकिन ये जो मैकल श्रेणी है, ये जो मैकल श्रेणी प्रवर्त श्रृंखला है, ठीक है, इसमें याद रखना जनजातियां मिलेंगी, ये आपका मैकल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो इसमें स्पेशल याद रखना कवर्धा को। ठीक है, कवर्धा, कवर्धा के बाद मुंगेली, मुंगेली के बाद बिलासपुर। ठीक है, अब भले ही जीपीएम उससे नहीं बना था, बाकी जीपीएम भी इसी सीरीज में आएगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखना मैकल श्रेणी मिलेंगे बैगा, वैसे भी मैंने जिला परिदर्शन में आपको पढ़ा दिया था बैगा, बैगा मैकल बैगा ठीक, जहां उकवाए बार सर्दी नहीं छोड़ा से। ठीक है, तो मैकल श्रेणी में बैगा जनजाति। ठीक है, उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट, लेकिन सर्वाधिक बैगा मिलेंगे कवर्धा एरिया में। ठीक है, बैगा के बाद दूसरा जाएंगे अगरिया, अगरिया, अगरिया नहीं, अगरिया। ठीक है, ग है ग। और तीसरा याद रखना प्रधान। ठीक है, प्रधान याद रखना, प्रधान जी, बैगा, अगरिया और प्रधान। ठीक है, बैगा, अगरिया और प्रधान हो गए, बस दुर्ग संभाग। अब आओ बिलासपुर संभाग जी, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग में आप देखेंगे तो ये बिलासपुर, बिलासपुर हो जाएंगे पहला भैना, भैना याद रखना, दूसरा पांव और तीसरा धनवार। ठीक है, धनवार याद रखना। ठीक है, धनुष रखा है तो पांव नहीं चल रहा है भय के मारे, ऐसा ट्रिक से मत पढ़ो, दिमाग के ऊपर भरोसा करो, अभी उम्र है आपका, ट्रिक ट्रिक चेक कर मत रहो, नहीं तो फिर दिमाग हमेशा ट्रिक ही खोजेगा, और फिर ट्रिक अभी आपके पास लाइफ है भाई, है ना, तो दिमाग पे भरोसा करो कि हमारा दिमाग इसको याद कर डालेगा, है कि नहीं भरोसा? हाँ ठीक, इतना लंबा लंबा गाना याद कर लेते हो यार, तो ये कौन सी खेत की मूली है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये आपका जांजगीर चांपा, हालांकि मूलतः ये पूरे एरिया में मिलता है, एक कंवर, ननकी राम कंवर जी, है ना कंवर। तो इतना जनजाति किसमें आएंगे जी? इतना जनजाति आएगा आपका मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियां। एक बार फिर से देखिएगा, गरियाबंद में कमार, कंडरा, भुंजिया, शिकारी, उसके बाद ये आपका महासमुंद में सौरा, बलौदा बाजार में बिंझवार, मैका श्रेणी में जी बैगा, अगरिया, प्रधान। ठीक है, उसके बाद बिलासपुर में भैना, पांव, धनवार। ठीक है, उसके बाद जांजगीर चांपा में कंवर हो सकता है। ऐसे पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा सीजीपीएससी अपने आप में पुष्पराज है भाई। ठीक है, वो चाहे तो कुछ भी आंसर ले सकता है, हो सकता है प्रधान को कवर्धा लिया है, हो सकता है गरियाबंद ले लिया, कोई सुनवाई नहीं, पुष्पराज झुकेगा नहीं।
ठीक है, जो बोल दिया ले लिया उत्तर, तुम हाई कोर्ट जाओ कहीं भी जाओ, ठीक है, उतना भी रहेगा रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियां, ठीक है, बनेंगे। ये कोरबा, कोरबा से सरगुजा, सरगुजा से जसपुर, ऐसा करते हुए मिलेंगे कोरवा। कोरवा जनजाति दो प्रकार के होते हैं, जो पहाड़ में निवास किया उसको बोलेंगे पहाड़ी कोरवा, ये ज्यादा पिछड़े हुए हैं जी, और जो मैदान क्षेत्र में निवास किए इसका नाम हो जाएगा दिहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा। पीके और दिहाड़ी मतलब डी और कोरवा मतलब के, पीके डी के जी, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा, ठीक है। उसके बाद आपका जिन्हें देखो रायगढ़ से, ठीक है, रायगढ़ से जसपुर होते हुए सरगुजा तक, ठीक है, सरगुजा तक पहला जाएंगे नगेशिया। इनका स्पेसिफिक काम होता है नाक सांप पकड़ना, नगेशिया, नाक का नाक सांप काट देगा तो क्या हो जाओगे जी आप, बीमार नहीं बेहोश, बिरहोर, ठीक है, बन जाएंगे। ये सांप पकड़ने के लिए नीचे में सौरा है, ठीक है, रायगढ़ से लेकर सरगुजा तक में नगेशिया और बिरहोर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जसपुर तरफ जाएंगे खड़िया, ठीक है, यदि आपको नाक काट दिया बेहोश हो गए तो फिर आपको खटिया में उठा लेंगे डॉक्टर के पास, किंतु मैं फिर बोल रहा हूं ट्रिक के साथ नहीं पढ़ना है तो बता क्यों रहे हो, ठीक है, बता दे रहा हूं जी, बाकी ट्रिक के साथ नहीं पढ़ना है जी, ठीक है, विश्वास कर अपने दिमाग के ऊपर, एक बार में याद होगा, ठीक है, बन जाएंगे। तो नगेशिया, उसके बाद बिरहोर, उसके बाद खड़िया, ठीक है। अब सरगुजा तरफ, ये सरगुजा से आशय जी जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा और ये आपका सूरजपुर, ये पूरा पूरा है ना। तो आपका जसपुर सरगुजा तरफ हो जाएंगे उड़ाव, और यहीं से लगा हुआ है झारखंड जी, झारखंड बिरसा मुंडा भगवान है ना जी, भगवान बिरसा मुंडा और अभी मांझी जीतन राम मांझी है ना। तो यहां से याद रखना जसपुर तरफ हो जाएंगे एक मुंडा, ठीक है, और मांझी, और मुंडा के साथ याद रखेंगे मुंडारी, खैर भाषा परिवार में आएगा छोड़ो उसको, हो गया मुंडा और मांझी, ठीक जी। अब आ जाइए सरगुजा में, सरगुजा में तो लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, पहला हो जाएगा खैरवार, इस नाम से तो आप चिर परिचित हैं ही जी, खैरवार से नहीं आ रहे के ऊपर में, खैरवार, खैरवार क्या काम करता है, खैर वृक्ष से कत्था निकालने काम करता है, वेरी गुड। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट कोरकू, कोरकू याद रखना, ठीक है। उसके बाद आएंगे पारधी, ठीक है, और ये आपका स्पेशल सूरजपुर क्षेत्र मिलता है जी, पांडो, पांडो याद रखना, पांडो या पांडो भी बोल रहे हैं कई बार, ठीक है। खैरवार, कोरकू, पोता, ठीक है, जो बिहार है वो याद रखना किनके साथ रहता है, खैरवार और गोंड, इस तरफ खैरवार इस तरफ गोंड, बीच में रहता है याद रखना बिहार। उसके बाद आएंगे भारिया है ना, और इसी का प्रचलित रूप आएंगे भुइया, ठीक है, भुइया रखना। अब कोरिया में जाओ, कोरिया में एक हो जाएंगे कोल और दूसरा हो जाएगा भील, एक कोल और दूसरा भील यार। उसके बाद बस्तर संभाग में ध्यान रखेंगे, या हालांकि लोग समूचे छत्तीसगढ़ मिलते हैं किंतु स्पेसिफिक थोड़ा सा आपको बस्तर संभाग को फोकस करना पड़ेगा जी, ठीक है। ये आपका बस्तर संभाग में जाएंगे गोंड, गोंड याद रखना, ठीक है, अभी देख लो जी।
ये महासमुंद से लेकर रायगढ़ तक मिलेंगे कोंद जनजाति, कोंद कोंद याद रखना कोंद, ठीक है हो गया। चलो नेक्स्ट पंडो, देखो कितना कंटेंट आपके दिमाग में सेव हो गया, ठीक है विश्वास रखो ये पुस्तक भी सेव हो जाएगा पूरा पूरा, वही चीज इसमें लिखा है, वही चीज याद रखना, ये जो मैं चार पेज बता रहा था आपको, ठीक है तो इसमें आसपास के जिलों का नाम भी लिखा हुआ है बस। तो घर में जाके इस टेबल को पढ़ना है पुस्तक को, ठीक है पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा जी आपको, सुन रहे हो, मैं आपको बस कॉलम कॉलम बना के दे रहा हूं, बीच में आपको दीवाल आपको देना है, दीवाल यहां से मिलेगा आपको, ठीक है बन जाएंगे। चलिए निकालिए तो पेज क्रमांक 63 63 जाए, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि प्रत्येक टॉपिक के बाद क्वेश्चन भी डील करते हैं जी, है ना, भले दो दिन और लग जाए क्योंकि इससे क्या है थोड़ा सा दिमाग में ही स्थित्व मिलता, हाँ भाई जो पढ़े हैं क्वेश्चन आ रहा है बोल के। चलिए अब बहुत सारे प्रश्नों को आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग डील करना है, ठीक है पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है, देखो कौन नहीं है वो किधर का है, बस्तर से, ठीक दूसरा क्या होगा जी, हाँ जी बस्तर, तीसरा का जी बिंझवार कहां मिलेगा, बैगा कहां मिलेंगे, गोण कहां मिलेगा, उराव कहां मिलेगा, हो गया ये इसका आंसर है जी, ठीक है उसके बाद चौथा नंबर जी, आंसर दबाओ आंसर दबाओ तब तो बनेगा, आंसर दबाओ ना जी क्या जाएगा, पांचवा नंबर जी देखो कैसे प्रश्न बन रहा है, जसपुर के निवास नहीं करती, तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना है ना जी, सरगुजा कोरिया जसपुर कबीरधाम कहां निवास नहीं करते, कबीरधाम में क्योंकि वो उत्तर से बहुत दूर है वो, है ना भाई। नेक्स्ट देखेंगे छठवां नंबर जी, हाँ ये जुलूस उलू नहीं पड़े हम लोग, है ना जी। नेक्स्ट सातवां नंबर जी, इसका भोटिया लिया है, भोटिया आंसर लिया है पीएससी ने, हम कुछ नहीं कर सकते। आठवां नंबर जी, आठवां नंबर रायगढ़ सरगुजा एवं जसपुर, वेरी गुड। नौवां नंबर जी, हाँ जी गरियाबंद, वेरी गुड। दसवां नंबर जी गरियाबंद, ग्यारह नंबर मैच करो फटाफट, पेन में किस चीज की मैच करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैच किए जी, क्या होगा हलवा का, बस्तर कांकेर, कमार का, मुंडा का, बैगा का, ठीक बाकी तुम लोग घर में इसको सॉल्व करके आना कल, कोई डाउट रहेगा या कुछ नया प्रकार का रहेगा तो बताना भाई फिर। चलो अब लिखो विशेष